तो फाइनली गाइस आ चुका है भाई सनी देओल के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई गदर 2 सक्सेसफुल होने के बाद कई सारे भाई ऑफर आ रहे हैं सनी देओल को। कुछ पिक्चरें तो भाई उन्होंने हाँ भी कर दी और कुछ को भाई उन्होंने ना भी कर दी, और कई सारी अभी लाइनअप लगी हुई है कि हाँ भाई इनको एग्री भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कि भाई एक और ऑफर आया है भाई सनी देओल को। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना भाई, कम बैक करो भाई, इस तरह करो कि एक पिक्चर सक्सेसफुल होने के बाद आगे 5, 6, 7, 8, 10 पिक्चरें भाई लाइन लगी हो और आपको चुनना हो कि भाई कौन सी में ये मतलब करनी चाहिए और कौन सी मुझे भाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लाहौर 1947 काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी कि हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसका टाइटल क्या होगा, ये वो वगैरह, एंड हुआ क्या यहाँ पे आमिर खान जो प्रोडक्शन हाउस है भाई उन्होंने ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई ये पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर भाई ऑफिशियली कंफर्म भी हो गई है। नेक्स्ट गाइस वो यहाँ पे बॉर्डर का सीक्वल अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन समझ लो ये कंफर्म ही है, कभी भी मेकर इसको कंफर्म है गाइस वो कर सकते हैं। और फुली ऑफ चांसेस है कि शायद जो भी सनी देओल का बर्थडे आ रहा है तो मे बी यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म ही कर सकते हैं, और साथ में रिलीज डेट वी दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2025 इंडिपेंडेंस वीकेंड इन इंडिपेंडेंस वीक में आएगी, मे बी गाइस ऐसा हो सकता है। ये तो हो गई भाई दो पिक्चरें, और तीसरी मैंने आप सभी को भाई अपडेट दी थी 2-3 दिन पहले कि नीतीश तिवारी जी भाई रामायण बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने भाई सनी देओल को अप्रोच किया कि हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे वो। फिलहाल गाइस इसमें अभी सनी देओल ने भाई एग्री है वो नहीं किया। ये हो गई भाई पहले तीन पिक्चरें, जो भी एक कंफर्म है और दो गाइस कभी भी कंफर्म है वो हो सकती हैं। और जो अभी जो बड़ी अपडेट है गाइस वो निकल के सामने आ रही है, जो पुष्पा फ्रेंचाइजी है जिसको भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं मायोथ्री मूवी मेकर्स। आप सभी जानते हैं भाई पुष्पा तो आप सभी ने देखी होगी, तो मायोथ्री मूवी मेकर्स गाइस उन्होंने एक पिक्चर है गाइस वो ऑफर की है सनी देओल को, जो कि गाइस सुनने में आ रहा है कि ये पिक्चर देशभक्ति टाइप की रहने वाली है। और वैसे भी आप हम सभी भाई जानते ही हैं कि सनी देओल ज़्यादातर मैक्सिमम उनकी पिक्चरें देशभक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, जो कि गाइस सुनने में आ रहा है कि ये पिक्चर कुछ इसी तरह रहने वाली है, इसकी स्टोरी लाइनअप भी कुछ इसी तरह की रहने वाली है, जो कि इसको डायरेक्शन देने वाले हैं कबीर खान। कबीर खान भाई आप सभी जानते हैं उनको कि बजरंगी भाईजान उन्होंने ही डायरेक्ट किया है, और एक था टाइगर उन्होंने ही भाई डायरेक्शन दिया उसको भी, 83 वो भी उन्होंने ही डायरेक्शन दी थी, और अभी कार्तिक आर्यन के साथ वो पिक्चर कर रहे हैं चंदू चैंपियन, वो भी भाई नेक्स्ट ईयर आएगी। ये तो मतलब उनकी कुछ मूवीज़ हैं, यानी कि वह एक्सपीरियंस मैन है एंड उनकी मूवीज़ भाई अच्छी हंसी चलती हैं, और ट्यूबलाइट सलमान भाई सल्लू भाई के साथ उनकी 3 मूवीज़ है, और वो गाइस इस मूवी के डायरेक्शन है गाइस वो देने वाले हैं। फिलहाल गाइस अभी बातें चल रही हैं, अभी ये कन्फर्म नहीं है, और अगर ये पिक्चर आएगी गाइस, अगर आएगी सुनने में आ रहा है तो गाइस ये पैन इंडिया लेवल पे आएगी। जी हाँ गाइस ये सिर्फ हिंदी में नहीं आएगी, ये हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम ये कन्नड़ा लैंग्वेज, ये मतलब 5 लैंग्वेज में इसको रिलीज है गाइस वो किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे सनी देओल ने भाई इसको एग्री किया, अभी देखना दिलचस्प होगा कि जो भी देशभक्ति की बात की जा रही है इसमें कुछ इस तरह सीन है गाइस वो रहने वाले हैं, मतलब स्टोरी लाइन कुछ इस तरह रहने वाली है, तो क्या इंडिया वर्सेस PAK होगा, या फिर कुछ और एंगल है गाइस में ऐड किया जाएगा, या फिर इंडिया वर्सेस अनदर कंट्रीज़ के साथ थोड़ा फाइट सीन है गाइस वो रहने वाले, क्या होगा ये तो बाद में हमें पता चल जाएगा। देखते हैं फिलहाल गाइस, अभी उन्होंने एग्री भी नहीं किया, अगर एग्री करेंगे इसके लिए कोई और बड़ी अपडेट गाइस निकल के सामने आएगी तो भैया हम जरूर डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल गाइस मायोथ्री मूवी मेकर्स अभी बिजी हैं अपने पुष्पा 2 भाई, जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 इंडिपेंडेंस वीकेंड एंड इंडिपेंडेंस वीक में आएगी, यानी अगस्त के मंथ में आएगी। तो फिलहाल गाइस ये थी बड़ी अपडेट, अब देखते हैं ये कब तक ऑफिशियली मेकर्स करते हैं, या फिर कब तक भाई सनी देओल इस चीज़ को एग्री है गाइस वो करते हैं। वैसे इसमें भाई आप सभी का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है कि भाई यहाँ पे सनी देओल को क्या ये पिक्चर करनी चाहिए या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो भाई फुल ऑफ मैच होती है यार सनी देओल के साथ, अगर ये स्टोरी लाइनअप रही जो अभी न्यूज़ है गाइस वो निकल के सामने आ रही है। तो फिलहाल गाइस सभी का तो इतना ही, एंड आई होप कि भाई आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो सब्सक्राइब, अगर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए